दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक करें। मैं हूं विवेक सिंह और दोस्तों टेक्निक सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और फ्लिपकार्ट सेल पे मेरा लास्ट वीडियो होगा क्योंकि इसके बाद बाकी सारे वीडियोस बनाएंगे, बहुत बना लिया मैंने इसके ऊपर। अमेजोन के सेल आने वाले हैं, शायद उसके ऊपर आपको वीडियोस मिले। एंड बहुत सारे स्मार्टफोन है जिनके ऊपर वीडियोस बनाना बाकी है तो वो भी बना सकता हूं। 5 स्मार्टफोन जिनके डील्स सेल ओपन होने के बाद खुले और धमाकेदार डील्स है दोस्तों, उनके बारे में बताने वाला हूं। जरूर देखिए, जिनके बारे में पहले बात नहीं की थी लेकिन ये कमाल के डील्स हैं उनके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले बता दूं, फ्लिपकार्ट पे आपको मालूम है बिग शॉपिंग डे सेल चल रहा है एंड इसके ऊपर पहले वीडियोस मैंने बना दिया बहुत सारे, अगर आपने नहीं देखा तो मिस मत करना। सारे रूल्स रेगुलेशन, सारी जितनी भी चीजें हैं, टर्म्स एंड कंडीशन सब बताई गई हैं सारे वीडियोस में। आपके पास अगर SBI का क्रेडिट कार्ड है 10% डिस्काउंट मिलेगा 1500 रुपए तक, एक आध दो स्मार्टफोन को छोड़कर बाकी सब पे मिलने वाला है। एंड ठीक है, 5 स्मार्टफोन चलते हैं, देखते हैं कौन से ऐसे हैं जो डील स्टार्ट होने के बाद ओपन हुए एंड धमाकेदार है दोस्तों। पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद डिसलाइक करना, मुझे बताना कितनी पसंद आया दोस्तों। लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्लिपकार्ट बिग शॉपिंग डे सेल पे पहला स्मार्टफोन ऑफर जो है, जो मुझे अच्छा लगा दोस्तों, वो है ब्लैक शार्क 2 का। ये शाओमी का स्मार्टफोन है, गेमिंग स्मार्टफोन है, 6GB 128GB 40,000 में लॉन्च हुआ था, सेल में 20,000 में आ रहा है। और अगर आपके पास SBI का क्रेडिट कार्ड है तो आप इसको 18,500 में ले सकते हो दोस्तों। सुपर एमोलेड का पैनल है, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, स्नैपड्रैगन 855 का चिपसेट है, 4000mAh की बैटरी है, 18W का चार्जर है, 48+12 का रियर कैमरा है, 20MP का फ्रंट कैमरा है। अच्छा डिवाइस है 18,500 के हिसाब से, अगर आप गेमर हो तो आपके लिए बेस्ट है दोस्तों ये अंडर 20,000। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि इसमें 3.5mm जैक नहीं है, तो म्यूजिक अगर सुनते हो तो आप ब्लूटूथ से चला सकते हो, अदरवाइज वैसे यूज नहीं कर सकते दोस्तों, ध्यान देना इस चीज को। अगले स्मार्टफोन की बात करें और आपका बजट अगर 11,500 के आसपास है और आपके पास SBI का क्रेडिट कार्ड है और आपको एक सैमसंग का स्मार्टफोन चाहिए सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ, फास्ट चार्जर के साथ, ट्रिपल कैमरा के साथ, तो आप इसकी तरफ देख सकते हो। सैमसंग गैलेक्सी A50, इसके बारे में नहीं बताया था मैंने, थोड़ा सा पुराना है। इसका 4GB 64GB वाला वेरिएंट जो है 13,000 में आ रहा है और कार्ड लगाओगे तो 11,700 तक मिल जाएगा। जैसे मैंने कहा, सुपर एमोलेड का डिस्प्ले है, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, 9610 वाला चिपसेट है, थोड़ा पुराना है लेकिन ठीक है, अच्छा चिपसेट है, 4000mAh की बैटरी है, 18W का चार्जर है, 25MP का रियर कैमरा है ट्रिपल, 25MP का फ्रंट कैमरा भी है एंड स्मार्टफोन सैमसंग के ब्रांड वैल्यू के साथ आता है। 11,700 के अच्छे हिसाब से मैं बताऊंगा कि अच्छी डील है, देखना चाहते हो इसकी तरफ देख सकते हो। तीसरे डील की बात करें तो इसमें 3 नए स्मार्टफोन है जिनके ऊपर डील आई है। पहला है पोको X2, 6GB 64GB 16,000 का आ रहा है, कार्ड लगाओगे 10% SBI का तो 14,500 मिल जाएगा आपको, 120Hz का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलता है, ड्यूल पंच होल है सामने एंड 730G का चिपसेट है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, 4500mAh की बैटरी है, 27W का चार्जर है दोस्तों और 64MP का सोनी का सेंसर वाला क्वाड कैमरा रियर साइड पे। अच्छी डील है मेरे ख्याल से, 14,500 में मिल रहा है अगर आपको तो इससे बेटर डील मेरे हिसाब से नहीं हो सकती दोस्तों। अगले डील की बात करें तो अगर आपके पास 11,500 का अगेन बजट है एंड आपको धमाकेदार गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए तो आप ये स्मार्टफोन को देख सकते हो। Realme 6 4GB 64GB 13,000 में आया हुआ है, कार्ड लगाओगे 1300 ऑफ हो जाएगा एंड 11,500 तक मिल जाएगा। IPS का पैनल है, 90Hz रिफ्रेश रेट वाला पंच होल एंड MediaTek Helio G90T का चिपसेट है, सारे गेमिंग मक्खन की तरह खेल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है दोस्तों। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, 4300mAh की बैटरी है, 30W का चार्जर आता है, बहुत बड़ी बात है 11,500 के हिसाब से, कुछ लोग तो कोई चार्जर भी नहीं देते, चलो अच्छी चीज़ है। 64MP का क्वाड कैमरा रियर साइड पे तो कैमरा भी अप टू द मार्क है। एक चीज़ ध्यान रखना है कि इसमें 4K वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं आती, बाकी सारी चीज़ें किलर हैं दोस्तों। 11,500 या 11,700 के हिसाब से मैं कहूँगा अगर आप ले लेते हो तो अच्छी डील है। लास्ट स्मार्टफोन Realme 6 का ही बड़ा भाई है, Realme 6 Pro, सजेस्ट तो नहीं करूंगा क्योंकि स्पेसिफिकेशन के हिसाब से थोड़ा सा ओवर प्राइस है, लेकिन 15,500 में अगर आप लेते हो तो ठीक डील कहूंगा मैं आपको। बता दूं ड्यूल पंच होल है इसमें भी, 720G का चिपसेट है, ध्यान देना 64MP का टेलीफोटो लेंस वाला भी क्वाड कैमरा है, इसमें टेलीफोटो लेंस भी आता है, नॉर्मल वैसे वाले नहीं है 8+2+2 वाले, 6GB 64GB 17,000 का आता है, कार्ड लगाओगे आपको ये 15,500 तक मिल जाएगा। बाकी वही Realme 6 वाले ही स्पेसिफिकेशन, 90Hz का IPS का पैनल दिया हुआ है, देन उसके साथ साथ आपको 4300mAh की बैटरी है, 30W का चार्जर है, तो बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन स्मार्टफोन मैं कहूँगा 15,500 के हिसाब से ले दो तो अच्छी डील होगी दोस्तों। ब्लैक शार्क 2, पोको X2, सैमसंग गैलेक्सी A50, Realme 6, Realme 6 Pro, ये 5 डील्स हैं, ज़रूर देखिए इनकी तरफ, अच्छे स्मार्टफोन से मैं कहूँगा एंड किलर डील्स हैं, देखना चाहते हैं इनकी तरफ देख सकते हो और अच्छे स्मार्टफोन से। इसके बाद अगर और भी डील चाहिए तो उनके ऊपर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसमें भी जाके देख सकते हो। 40 स्मार्टफोन का अलग वीडियो है, 10 स्मार्टफोन का अलग वीडियो है,
मेरे फेवरेट जो हैं, एंड देन बाकी सारे भी देख सकते हो। सेल पे लास्ट वीडियो होगा, इसके बाद बाकी सेल के जो आने वाले हैं अमेजोन के उनके ऊपर आएंगे वीडियोस। अभी के लिए इतना ही। पसंद आया कमेंट और शेयर कर देना, नहीं पसंद डिसलाइक करना, मुझे बताना क्यों पसंद है। और भी बहुत सारे वीडियोज उन्हें चेक कर सकते हो, साइड में देखो वेब टाइम पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ नया करने के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।